आधा कटोरी बेसन, 3 चम्मच सूजी, ये कुछ ड्राई फ्रूट है पिस्ता, बेकिंग पाउडर, नमक और ये इलायची पाउडर, 1 कटोरी पिसी हुई चीनी और घी। ठीक है, ये इंग्रेडिएंट्स हैं। किस चीज के? नान खटाई के। सबसे पहले तो खट्टा बनेगा वो? नहीं, मीठा बनेगा क्योंकि पाउडर शुगर लेंगे ना। तो फिर नान मिठाई नहीं बोल रहे? ये मैदा छान लिया। ठीक है, सारी चीज, बेसन, सूजी और बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर लेना है हमें। इन चारों को मिक्स कर दिया, छान लिया। ये पत्थर किसके सर में मारने? किसी के नहीं। ठीक है, ये हमने छान लिया। उसके बाद में इसको मिक्स करके पहले से मिक्स करना है जो इसमें बेकिंग पाउडर डाला है हमने। अच्छा, गिराना कितना है? मिक्स करते करते गिराना भी है क्या? कितना गिरा सकते हैं? नहीं गिराना, वो मैंने गलती से गिरा दिया। ठीक है, ये पटाखे कहाँ फूट रहे हैं? और फिर हमें इसमें मिला देना है ये चीनी, चीनी पाउडर, चीनी का पाउडर मिला देना जो कि हमने सोचा था मिक्सी से पीस लिया। ठीक है, और इसमें हल्का सा डाल देंगे हम नमक, 1/2 चम्मच से भी कम नमक डाल दिया। और खटाई कितनी डालनी है? ये प्रीहीट हो गया, प्रीहीट कर दिया हमने ओवन को। इसको हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे घी। घी हमें इतना डालना है जितने में डो बन जाए। अच्छा, ये घर का बना हुआ लेना है कि बाहर मार्केट का? कहीं का भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो, पर अच्छा तो घर वाले से बनेगा। देखते हैं। इसको बहुत हल्के हाथ से बनाना है ना? किसी का 2.5 किलो का हाथ हो तो वो अपने 2.5 किलो वाले से ही बना सकता है। सन्नी दल भी बना सकता है इसको। देखिए अभी सूखा है, काफी सूखा है। आज ही मैंने घी बनाया है और आज ही मेरे इतना सारा घी लग गया। ओहो, जान से निकल रही, इतना सारा घी खर्च करते हुए मेरा घी जा रहा है। पता चला बन ही नहीं। ऐसी बात मत करो, शुभ शुभ बोलो। शुभ शुभ बोलो। शुभ शुभ। ठीक है, अब ये हमने क्या पता, ठीक है बन जाएंगे जब पता चलेगा। ठीक है, ऐसे कहो, अच्छा बनेंगे, बनने तो चाहिए। ठीक है, ये बन गए। इसमें डाल लेते हैं अब हम इलायची पाउडर, खूब
खोलना पड़ेगा। ये क्या डाल रही है? इसमें डाल रही हूँ मैं ये इलायची पाउडर। खटाई कब डालेगी? खटाई नहीं डालते, अमचूर पाउडर नहीं डालना इसमें? माफ कीजिए, बहुत ज्यादा इलायची पाउडर डल गया है। ये आप अपने हिसाब से डाल लेना। इलायची वो आज ही आई थी ना बॉटल, तो मैंने इलायची पाउडर ज्यादा डाल दिया है, तो आप अब ये अपने हिसाब नान से। खटाई की जगह इलायची खटाई हो गया है। इलायची अब अपने स्वाद अनुसार पहले डाल दो। अब मैं इसमें अरे ये भी तो डालना ही, क्या ऊपर से लगाना है ना नहीं वो। क्या ऊपर से लगाना है? हाँ अब इसकी ऐसे ऐसे बनाने हैं छोटे छोटे। अच्छा इसकी मोटाई पतलाई अपने हिसाब से रख सकते हैं। वैसे तो कह रहा मैं भी नहीं पता भाई कितने रखनी है, अभी फर्स्ट टाइम बना रहे हैं जिंदगी में। वैसे ज्ञान दे रहे हैं किचन में खड़े होकर। मेरे हिसाब से ज्यादा मोटे हैं, अगर ये फूल जाएंगे तो ये बम बन जाएंगे नान कटाई के। फोटो लगा दी है, फोटो खींच ले। पता नहीं क्या लगा दिया है, देखना अब इसमें 20 मिनट का टाइमर लगा दिया है, बाकी देखो 20 मिनट में जलाता है कि क्या करता है। ये फर्स्ट टाइम बना रहा था, कोई पता नहीं भरोसा इसका। शेफ अजय कुमार 10 मिनट हो गए इसको और ये काफी फूल गया है। बढ़िया, अच्छा फुलाई फुलाई सी हो गई इनकी, बड़े बड़े हो गए देख ले। बन गए, बन के तैयार हो गए 20 मिनट में। हाँ। और एक मैंने खा लिया था गरम गरम, इतनी सबर नहीं हुआ आपसे तो वो बहुत ही अच्छा भुरभुरा सा है, मीठा अच्छा ज्यादा हो गया एकदम। क्योंकि मीठा मेरे को ज्यादा पसंद नहीं है, इसने मीठा ज्यादा डाल दिया, बट कोई नहीं खा लेंगे, क्या है खाया जाएगा। मीठा आप थोड़ा सा कम डालना, बहुत बढ़िया अब बने अपने हिसाब से डाल लेना। देखो ये देखो, तोड़ के दिखाओ ना एक, ये तो तोड़ दे उधर से तोड़ो, ये देखो बढ़िया एकदम, कच्चा नहीं है पका हुआ एकदम।